किसानों के विरोध के बाद अब हरियाणा के कर्मचारी भी हरियाणा सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी शुरुआत करनाल की पुरानी सब्जी मंडी से हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने रैली के माध्यम से हुंकार भर कर दी है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग में निजीकरण का विरोध, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना व पंजाब के समान वेतन करने समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने रैली निकाली। कर्मचारियों ने सीएम आवास का घेराव किया और उसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद कर्मचारियों को सरकार से बातचीत का आश्वासन दिया गया। बता दें कि करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में आज पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की ओर से अपनी मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया गया। रैली में हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। रैली में पहुंचे कर्मचारियों के नेताओं ने कहा कि सरकार पीडब्ल्यूडी विभाग में निजीकरण करने जा रही है, जो किसी भी कीमत पर कर्मचारी नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी के तीनों विभागों का रखरखाव का कार्य भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। जनस्वास्थ्य विभाग के शहरों की जलमल व्यवस्था को नगर निगम व गांवों की जल आपूर्ति को पंचायतों के भवन निर्माण विभाग में पैच वर्क तक का कार्य सरकार ने ठेके पर दिया है, जिसको लेकर आज कर्मचारियों द्वारा रैली के माध्यम से सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। सरकार को चेताया गया कि यदि हरियाणा उनसे बातचीत कर उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। बताते चले कि विभाग में निजीकरण का विरोध, पंजाब के समान वेतन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना व पुरानी पेंशन की बहाली समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने रैली निकाली है। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के कर्मचारियों द्वारा आज करनाल में प्रेमनगर स्थित मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया और अपने प्रदर्शन से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। मांगे क्या क्या है दोबारा? हमारी मांगे हैं कि जो सिंचाई विभाग में कैनालगार कार्य कर रहे हैं उनको तृतीय श्रेणी का दर्जा दिया जाए, जिन पदों की योग्यता 10वीं प्लस ITI है उनको 2400 ग्रेड पे का वेतनमान देते हुए 25500 का बेसिक हमारे को स्केल दिया जाए, और तमाम प्रकार के जो कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो मस्टोल के ऊपर लगे हुए हैं, चाहे वो जॉब वर्क पर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो ठेकेदार के थ्रू लगे हुए हैं, उनको विभाग के रोल पर लेते हुए पॉलिसी बनाकर उनको नियमित किया जाए। हमारे ट्रम अपॉइंटी हैं, लगातार 14 साल से लगे हुए हैं, उनको समान काम समान वेतन देने का कार्य किया जाए। तो आज सीएम आवास का घेराव करेंगे या यहीं पर ज्ञापन देंगे? हम अभी हमारे पास प्रशासन से कोई सूचना नहीं आई है, अगर लिखित रूप से हमारे पास मुख्यमंत्री कार्यालय का आदेश प्रशासन के द्वारा मिलते तो हम उस पर विचार करेंगे, वरना हम आंदोलन के तैयार, और हमारा पूरा दृढ़ निश्चय है कि हम मुख्यमंत्री निवास के ऊपर कूच करेंगे। क्या नाम आपका पूरा? गंगाराम मोहन, राज्य वरिष्ठ उप प्रधान, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर नंबर 41, संबंधित सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा। 85 से भर्ती बंद है, कर्मचारी लगाए जाते हैं लेकिन जो ठेकेदार के थ्रू लगाए जाते हैं न तो उनको न्यूनतम वेतन मिलता है, न ही ESI PF की सुविधा मिलती है और उनका शोषण हो रहा है। इसलिए आज हम मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री से कहेंगे क्योंकि उनके पास पब्लिक हेल्थ विभाग भी है, इरीगेशन भी है, B&R का काम जो देश के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी देखते हैं, ये दोनों से हम अपील करेंगे इन विभागों के कार्यों को किसी भी कीमत पर ठेकेदार। अगली रणनीति हमारी किसी करनाल की पौत्र धरती पर कल से हम बेमियादी धरना शुरू कर रहे हैं, CMCT करनाल में यहीं बैठेंगे, जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होता है तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर पर सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह गंगवाल है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।